सर एक सांभर नगर पालिका आपके क्षेत्र में आता है सर, एक पुराना शहर है, नमक नगरी के नाम से विख्यात है। तो सर यहाँ से सांभर को जिला बनाने की मांग लंबे समय से चली आ रही, सर आपने कोई प्रयास किए सांभर को जिला बनाने के लिए? अब विधानसभा की वेबसाइट खोल के और राजस्व विभाग के मेरे प्रश्न देख सकते हैं। कम से कम मेरे विधायक बनने के बाद 8 से 9 बार मैंने ये बात विधानसभा तक उठाई है, बकायदा सरकार तक हर प्लेटफार्म पर ये बात पहुँचाई है। और जो सरकार की नीति रही है कांग्रेस सरकार की, मुझे लगता नहीं कि ये जिला बना पाएंगे। ये जिले से भी, जो उपखंड से भी तोड़ मरोड़ करके सांभर की और स्थिति खराब करने की इनकी मंशा। सर क्या आपके चुनाव जीतने का सबसे बड़ा कारण जातिवाद की राजनीति है? नहीं, कतई नहीं है। नहीं करती है। सर क्या फुलेरा वासियों को अभी पीने का पानी निरंतर मिल पा रहा है? ये दुर्भाग्य है कि 48 घंटे का लगभग 15 साल से 48 घंटे की इंटरवल पानी की है, और ये कभी 50 घंटे हो जाती है, कभी 60 घंटे, कभी 72 घंटे, 100 घंटे तक पानी नहीं आता। आज भी ये स्थिति है। आप आम जन से पूछिए, मैं तो बोलूंगा तो हर चीज़ पे आरोप लगेगा कि पॉलिटिकल है। करना चाहते हैं पर कर नहीं। लगातार धरने करें, प्रदर्शन करें, ज्ञापन दिए, इसी की कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है। कोई ऑफिसर 2-3 महीने से ज़्यादा टिकता नहीं है। हर 3 महीने में नए अधिकारियों के ट्रांसफर होते हैं। किसी को भौगोलिक ज्योग्राफी समझ में नहीं आती, उससे पहले वो नया आ जाता है। और अभी ये कंडीशन है कि सड़कों की हालत ख़राब है, खड्डे नहीं भर रहे, पानी पीने का 5-5, 7-7 दिन तक पीने का पानी नहीं आता, लाइटों की स्थिति खराब है। तो ये मूलभूत सुविधाएं जब नहीं है, हॉस्पिटल्स की स्थिति खराब है, कोरोना के अंदर भी सरकार ने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करे, तो और जो योजनाएं वो कैसे लाभ मिलेगा? बिल्कुल खराब करेगी। तो यहाँ केवल चमचागिरी, चापलूसी और वाहवाही करने का काम कांग्रेस पार्टी में होता है। सर अगर भाजपा में ऐसे गुट हैं तो आप कौन से गुट से आते हैं? ये पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी में कोई गुट नहीं होता। मैंने आपको पहले भी कहा कि ये एक ऐसी पार्टी है जिसमें हर किसी को मौका मिलना संभव है। तो जब कोई किसी का है ही नहीं तो गुट किस बात की? उस समय से बात, भारतीय जनता पार्टी में हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व सक्षम है, हमारा प्रदेश नेतृत्व जो हमें आदेश देता है आला कमान, हम उसके हिसाब से चलते हैं। ना कोई गुट है, ना कोई यहाँ पे गुटबाजी कभी रही है। जहाँ तक मैं विधायक बन के आया हूँ, मैंने तो कभी ऐसा कोई गुट देखा। जो अपोजिशन में उन्होंने समर्थन किया था, बताइए आप 370 ले लीजिए, आप ट्रिपल तलाक ले लीजिए, CAA ले लीजिए, लैंड एक्विजिशन बिल ले लीजिए, किसान बिल ले लीजिए, कौन सा बिल है जिसका विपक्ष ने विरोध नहीं किया, या जो भी देश विरोधी ताकतें उन्होंने विरोध नहीं किया, बताइए आप। सर देश विरोधी ताकतें या जो विपक्ष ने विरोध किया, पर आपके अपने उनका विरोध करें तो कैसा लगे? हनुमान बेनीवाल जी आपके अपने थे, सांसद थे, उन्होंने विरोध किया। एक आपके मंत्री थे पंजाब से, उन्होंने पद छोड़ा। ये जो भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी है, देश हित में कुछ कठोर फैसले लेने भी पड़ते हैं। हमारा उद्देश्य कभी भी राजनीति में बना रहना नहीं होता, देश हित में कठोर फैसले लेने का भी उद्देश्य बीजेपी की नरेंद्र मोदी सरकार ही कर सकती है। हो सकता है कि राजनीतिक नुकसान हमें हो सकता है कुछ सांसद हमारे कम जीते, हो सकता है कुछ राज्य में हमारी सरकारें नहीं बने, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम देश हित में दबाव में आके कोई अच्छे फैसले लेने से बच जाए। देखिए ये लगता है कि तेज गति से विकास और बिना किसी भेदभाव के हमारे जनप्रतिनिधि काम करने की जो शैली होती है वो भारतीय जनता पार्टी के सारे जनप्रतिनिधि में होती है, क्योंकि हमारा आला कमान, हमारा प्रदेश का नेतृत्व उन पर हर तरीके से पकड़ रखा। वर्तमान मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी ने आपकी पार्टी पर आरोप लगाए, कई बार आरोप लगाया कि भाजपा विधायकों की खरीद फरोख्त करती है, क्या ये सच्चाई है? देखिए एक भी प्रमाणित सबूत वो दे नहीं पाए और केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए आरोप लगाते हैं, और वो जब समय आता है तो वो खुद ऐसे षड्यंत्र खुद रचते हैं।